श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दाई। हाँ तो कहाँ लहस जाते हैं? आए रायपुर ले आहस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो रायपुर ले तुम्हें। हाँ ये तो आज कला यात्रा है दाई, तो ते कब क्या गए सो काली जा क्या हो? अच्छा बिहने क्या हो? अच्छा 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 अच्छा, जगह पहली में जी सर की। तो ये माता जी है, रायपुर से आई है, और क्या है सामने का जगह मिलेगा श्री पंडित जी का दर्शन पास से होकर ऐसा कि पहले से आए हैं। चल ठीक है दाई, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो आओ कोई नहीं आया तो साथ में हो? अच्छा 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 अच्छा, सब इति उति गए हैं। अच्छा अच्छा, चल ले जाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों अभी हम लोग हैं भिलाई के जयंती स्टेडियम के कथा पंडाल में, जहाँ पे आज कला यात्रा थी। और जैसे कि आप लोग अभी हम लोग कथा पंडाल में हैं, जैसा आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे जो भक्तगण हैं, कथा कल से चालू होनी है, और जो भक्तगण हैं वो दूर दूर से आए हैं और बहुत भारी संख्या में यहाँ पे अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, ताकि पहले से अपना स्थान सुरक्षित कर सकें। और भक्तों की जो संख्या है बहुत अधिक तादाद में है, बहुत ही। और ये मेन वाला पंडाल है दोस्तों, जिसमें ये पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं, जिसमें बहुत सारे भक्तगण इसमें हैं। और इसके जस्ट आगे में उस तरफ वहाँ पे वो वाला सेकंड वाला पंडाल है, और इस तरफ अभी पानी गिर रहा है, ये अभी बन ही रहा है। और क्योंकि कथा कल से चालू होगी, इसलिए कल तक ये बन के तैयार हो जाएगी दोस्तों। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि अभी बारिश के दिन है और अभी बारिश हो भी रहा है, ये कथा पंडाल का दृश्य है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि पानी की भरमार है, लेकिन जो भक्तगण हैं बहुत अधिक तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं आज कलश यात्रा के दिन भी। और दोस्तों जैसे कि देख सकते हो आप लोग कि कथा पंडाल में व्यवस्था जो है बहुत ही अच्छी प्रकार की है। यहाँ जैसे आप आते हैं तो अपनी व्यवस्था अपने हिसाब से करके आएँ, क्योंकि बारिश का दिन है। अगर आप आ रहे हैं, अगर आप रोड से आ रहे हैं, मतलब बाई कार, बाई बस, या फिर आप बाइक से आ रहे हैं, तो अगर जो पार्किंग है उसकी व्यवस्था का लाभ उठाएँ, और खुद भी सुरक्षित चलें और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित चलने दें। कथा पंडाल तक हड़बड़ी न करें, ताकि कोई अनहोनी हो। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कथा पंडाल पूरे तरीके से बन चुकी है, और कल कथा का आयोजन होना है। प्रदीप मिश्र जी के श्रीमुख से कथा का आयोजन होगा, और ये तीसरा पंडाल है जो अभी कंप्लीट होने वाला है। और ये जेसीबी है, ये क्रेन है जो सामान को उठाने और जो पंडाल है उसको सही तरीके से बनाने के लिए साथ में सहयोग कर रही है। साथ में जो हमारे कारीगर भाई लोग हैं वो लगे हुए हैं, और व्यवस्था भक्तों के लिए की जा रही है। और बहुत सारे भक्तगण हैं जो कथा के दो दिन पहले से आ चुके हैं और अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, क्योंकि जो मेन वाला पंडाल है उसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहले से आ जाते हैं, जैसे कि आप जनसंख्या देख ही सकते हैं।